तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में, जिसका नाम है गैलेक्सी रिसोर्स अपडेटर। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा इस ऐप का मतलब क्या है और इस ऐप होती क्यों है और इस अपडेट में क्या नए चेंजेस मिले, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना आपको अपने गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इस ऐप के अंदर एक नया अपडेट मिल रहा है, जिसका नाम है ऐप का गैलेक्सी रिसोर्स अपडेटर। तो दोस्तों आप बात करेंगे इस ऐप का होता क्या है और ये ऐप होती क्यों है। दोस्तों इस ऐप का काम है जो कि आपके मोबाइल में जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं और जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में अपडेट होती हैं, जो कि सैमसंग की प्री इंस्टॉल ऐप्स होती हैं, उनको अपडेट करने में ये हेल्प करता है और उसके फीचर्स को चलाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है गैलेक्सी रिसोर्स अपडेटर इज अ सिस्टम ऐप दैट सपोर्ट अपडेटिंग योर फोन सॉफ्टवेयर बाय सैमसंग। फोन सपोर्ट करता है आपके लेटेस्ट अपडेट को और ये प्री इंस्टॉल जो कि सैमसंग की गैलेक्सी की जो डिफॉल्ट्स ऐप होती है ना, उसको भी यहाँ पर सेफ्टी से इंस्टॉल करने के लिए और सेफ्टी से वर्किंग करने के लिए काम करता है। यहाँ पर आप साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐप करता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अपडेट फ्रॉम सैमसंग विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और टू ऐड अ न्यू फीचर यू कैन ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन ऑफ इन द सेटिंग। पर अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो वहाँ पर आपको सैमसंग के फीचर आपके मोबाइल में नहीं चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इफ गैलेक्सी रिसोर्स अपडेटर इज डिसेबल और नॉट अपडेट व्हेन रिक्वायर्ड देन सम फीचर प्रोवाइडेड बाय सैमसंग नॉट वर्किंग। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 1.4.02.0 और इसका अपडेट कब किया गया, 14 मार्च को इसको अपडेट किया है, मतलब आज ही के दिन। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ओपन तो नहीं होगा बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई, ये नॉर्मल अपडेट नहीं है, क्योंकि इससे आपकी सैमसंग की जो प्री इंस्टॉल्स ऐप्स है ना, उसके वर्किंग चलने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो ये अपडेट हो चुका है, अपडेट करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद वो आपको ले गया है गैलेक्सी रिसोर्स और अपडेट्स में। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गैलेक्सी सिस्टम ऐप अपडेट्स में। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऐप्स होंगी ना, वो सब आपको यहाँ पर बता देगा, ऑटो ऐप सपोर्टेड, नहीं सपोर्टेड, कंट्री कोड और वर्जन नंबर, ये सब कुछ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखा रहा है। वैक आएंगे, डिवाइस की हेल्थ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, टारगेट यूज़र 3, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ये मेंटेन करके ये बता रहा है। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट ऐप है आपके सैमसंग गैलेक्सी को अच्छा चल जाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ओवरऑल दोस्तों आपको इस ऐप को अपडेट कर लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल में अपने सैमसंग के मोबाइल आपका अच्छे से फ्रीली चल सके। दोस्तों यही अपडेट था इसकी तरफ से, सैमसंग की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया गैलेक्सी रिसोर्स और अपडेट की तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेट जरूर करना। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं, भी फॉलो कर लेना और हो सके चैनल को शेयर करना ना भूलना। एक चीज और, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।